जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Realme 8S 5G और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 8S 5G में मिलने वाले कुछ हिडन फीचर्स के बारे में, जिनको अगर आप Realme 8S 5 में यूज करेंगे देन आपका जो यूजिंग एक्सपीरियंस है और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। और दोस्तों काफी कमाल के फीचर्स की लिस्ट है, सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले फीचर का नाम है दोस्तों डबल टैप टू टर्न ऑन और डबल टैप टू लॉक स्क्रीन का फीचर। जैसे आप देखेंगे अभी हम अपनी होम स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे हम जैसे ही स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे हमारा फोन लॉक हो जाएगा, और अगर हमारा फोन लॉक है तो अपने लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे हमारे फोन में लॉक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस फीचर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको अपने Realme 8S 5G में सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डबल टैप टू लॉक, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं देन डबल टैप करने के बाद आपका फोन लॉक हो जाएगा। और जस्ट नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन, अगर आप इसको ऑन करते हैं इनेबल करते हैं तो लॉक स्क्रीन पर डबल टैप करने के बाद आपकी लॉक स्क्रीन ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों लॉक स्क्रीन मैगजीन। बेसिकली अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हो देन आप नोटिस करोगे कि आपका फोन जितनी भी बार आप लॉक या अनलॉक करेंगे आपकी जो लॉक स्क्रीन की मैगजीन है वो चेंज होती रहेगी। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको फिर से एक बार अपने Realme 8S की सेटिंग को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आ जाता है, नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, सबसे नीचे आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको और भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको जो भी इमेज है उसको मोबाइल नेटवर्क से अपडेट करना है, चेंज होता रहे, देन आप उसको इनेबल कर सकते हैं। बाकी आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो लॉक स्क्रीन है थोड़े थोड़े टाइम बाद वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों होम स्क्रीन मोड। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऐप ड्रॉअर। अभी आप नोटिस करेंगे नीचे से ऊपर जैसे हम स्वाइप करते हैं सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट आ जाती है। आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। सेटिंग होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन ऑप्शन में सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अभी मैं ड्रॉअर मोड यूज कर रहा हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड मोड यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई करते हो देन आप नोटिस करोगे कि जितने भी एप्लीकेशन है आपको कुछ इस तरह से दिख जाएंगे। आपको डिस्प्ले में स्वाइप करना होगा, सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको दोस्तों यहाँ से इसको चेंज करना है फिर से आपको सेटिंग में जाना होगा, यहाँ से आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में, उसके बाद आपको सिंपल मोड जो लास्ट में मिलता है उसको आप सिलेक्ट करके अगर अप्लाई करते हैं देन आप नोटिस करेंगे कि आपको कुछ इस तरह सा लुक मिलेगा। बिल्कुल जो बेसिक से एप्लीकेशन होते हैं जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वही आपको शो होंगे, बाकी एप्लीकेशन शो नहीं होंगे। सिंपल मोड से इगिट जाने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना होगा, लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा इगिट सिंपल मोड। आप जैसे ही टैप करेंगे आप फिर से आपका जो पिछला मोड था अगर आप सिंपल यूज कर रहे थे नॉर्मल या ऐप ड्रॉअर उसमें स्विच हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों होम स्क्रीन लॉक। अभी आप नोटिस करेंगे हमारे होम स्क्रीन पे इतने एप्लीकेशन है बट हमने होम स्क्रीन को लॉक कर रखा है, जिसमें होगा क्या कि जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ से आप इनको मूव नहीं कर सकते हो। आपको कोई एप्लीकेशन मूव करना हो उसके लिए आपको अपनी होम स्क्रीन को अनलॉक करना होगा। लॉक या अनलॉक को इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना होगा, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन को ओपन करना होगा। आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन लॉक्ड का। अभी हमारे में इनेबल था, इसको हम जैसे डिसेबल करेंगे उसके बाद आप लोग नोटिस कर सकते हैं जितने भी एप्लीकेशन है आप अपनी होम स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमारे ड्राइव एप्लीकेशन में आपको ड्राइव के पहले एक ग्रीन कलर का डॉट शो हो रहा है, सेम टू सेम आपको इंस्टाग्राम और गूगल पे भी शो हो रहा है। इस डॉट का मतलब ये है दोस्तों कि इस एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर के थ्रू अपडेट आया हुआ है, आपको ये एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा लेटेस्ट वर्जन के लिए। अगर आप चाहते हो कि जिस भी एप्लीकेशन में आपको अपडेट आए गूगल प्ले स्टोर में उसका आपको डॉट शो हो देन आपको अपनी फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। देन आपको यहाँ से ओपन करना होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा प्ले ऐप अपडेट डॉट। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं देन आप नोटिस करेंगे कि जितने भी डॉट थे अभी आपको शो नहीं होंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों पर्सनलाइजेशन। Realme 8S 5G में आपको कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। सेटिंग में आपको एक अलग सी कैटेगरी मिल जाती है जिसका नाम है पर्सनलाइजेशन। सेटिंग ओपन करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी मिलती है। सबसे पहली कैटेगरी दोस्तों आपको मिलती है थीम्स की, जहाँ पे आप बहुत सारी थीम्स को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। थीम स्टोर ओपन हो जाएगा, आपको थीम को सिंपली डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना है। सेम टू सेम वॉलपेपर्स को भी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे थीम्स स्टोर में जाके वॉलपेपर सेक्शन में उसको अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको आइकॉन स्टाइल को भी चेंज करने का ऑप्शन। अभी आप देखेंगे ये डिफॉल्ट आइकॉन है, अगर आपके उसको शेप को चेंज करना है देन आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पे आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आइकॉन का कॉर्नर्स, उसका फॉर बैकग्राउंड आइकॉन शेप, उसका नाम को चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों इसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लेआउट का, जहाँ पे आप एप्लीकेशन लेआउट को भी चेंज कर सकते हो। आपको कॉलम में कितने एप्लीकेशन रखने हैं, रो में कितने एप्लीकेशन रखने हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाता है कलर सन, जहाँ पे आप अलग अलग कलर्स को चूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन
नेविगेशन के लिए, कंट्रोल सेंटर के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको बहुत ही अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। आपको सिंपली जो भी कलर पसंद आता है उसको चूज करके अप्लाई कर देना है। फॉन्ट्स और डिस्प्ले साइज को भी चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी ज्यादा फॉन्ट्स चाहिए देन आपको थीम्स मिल जाता है, वहाँ पे सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। लास्ट आपको मिलता है नोटिफिकेशन ड्रॉअर का, यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि नोटिफिकेशन ड्रॉअर के भी आप जितने भी आइकॉन सेव हैं आप उनको भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइजेशन से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों स्क्रीन कास्ट। अगर आप अपने Realme 8s 5G को किसी वायरलेस डिस्प्ले में एज अ मिरर डिवाइस यूज करना चाहते हैं देन आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसमें एप्लीकेशन मिल जाता है, थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेटिंग ओपन करना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इनेबल कर देना होगा। इनेबल करने के बाद आपके नियर बाई जितनी भी वायरलेस डिस्प्ले होंगी वो आपको शो हो जाएंगी, आपको उस वायरलेस डिस्प्ले में भी स्क्रीन कास्ट को इनेबल करना होगा, उसके बाद आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। एक चीज बता दूं, स्क्रीन कास्ट में आप केवल अपनी स्क्रीन को ही शेयर कर सकते हो, वहां पे अगर आप अपने फोन में कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करते हो देन उसकी जो वॉइस होगी या उसकी जो ऑडियो होगा आपको आपने जिस डिवाइस में कनेक्ट किया है उसमें सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों एंड्रॉयड ऑटो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। अगर आपके पास कोई भी कार स्टीरियो है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट है देन आप वायरलेसली अपने फोन को अपने कार से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेटिंग ओपन करना होगा, उसके बाद आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग में लास्ट ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो का। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कनेक्ट अ कार, उसके बाद आपको अपने कार से यूएसबी केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर देना होगा। देन आप लोग नोटिस करोगे कि आपके फोन का जितना भी एक्सेस है, जितने भी एप्लीकेशन है, सारे आपको उस कार की स्टीरियो में शो हो जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपके कार में एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट नहीं है या आप कोई एक बेस्ट कार स्टीरियो खोज रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक बहुत ही कमाल के डलसेट की तरफ से आने वाले DCF90X कार स्टीरियो का रिव्यू किया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों डार्क मोड 2.0। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग को ओपन करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर टॉप पे राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है डार्क मोड का। इस पे आप जैसे ही टाइप करेंगे आपका फोन डार्क मोड में स्विच हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो स्विच आपका ऑप्शन मिलता है, आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। डार्क मोड की सेटिंग में चलते हैं देन आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको तीन अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इनहेंस चूज करते हैं देन आपका फोन मैक्सिमम जितनी स्क्रीन ब्लैक हो सकती है उतनी होगी। अगर आप थोड़ा सा मीडियम करेंगे देन आपको थोड़ा सा ग्रे नोटिस, जेंटल करेंगे तो आप स्क्रीन पूरी तरह से आपको ग्रे नोटिस होगी। बाकी आप अपने वॉलपेपर को, आइकॉन्स को डार्क मोड के अकॉर्डिंग यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। Realme 8s 5G में दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग ओपन करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर का, उस पर टैप करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेकंड स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इसको आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ से आपको 60 और 90 का ऑप्शन मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज जो काफी अच्छी मिलती है, पर्सनली मुझे भी पसंद आई, वो है ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं देन आपके यूजिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हैं देन आपका डिस्प्ले 60 FPS स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हैं देन वो ऑटोमेटिक 90 FPS हो जाएगा। बट दोस्तों फीचर तो अच्छा है लेकिन ये इतना स्मूथली Realme 8s 5G में वर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों रियल साउंड टेक्नोलॉजी। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग ओपन करना होगा, यहाँ से आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे देन आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे आपके फोन में बाय डिफॉल्ट स्मार्ट सेलेक्ट होगा, बाकी और आपको अलग अलग तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मूवीज यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं देन आपको जो साउंड आएगी उसके वोकल्स क्लियर होंगे और आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो आपका साउंड आ रहा है वो थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया कवर करके आ रहा है। बाकी गेमिंग के लिए आपको अलग मिल जाता है। और अगर आप म्यूजिक का ऑप्शन यूज करते हैं देन आपको जो साउंड है, जो ऑडियो है, मोर रियलिस्टिक और उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर सुनाई देंगे। Realme 8s 5G में दोस्तों आपको Realme UI 2.0 के साथ Android 11 मिलता है। Android 11 का काफी पॉपुलर फीचर है जिसका नाम है चैट बबल। अगर आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एक बबल के टाइप में शो हो जाएगा, जैसे आपको Facebook Messenger में शो होता था। इसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ से नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको सिंपली टैप कर लेना है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे आपको बबल्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं देन आप जितने भी एप्लीकेशन में इसको सेलेक्ट करते हैं आप नोटिस करेंगे कि Facebook Messenger की तरह कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बबल की तरह कुछ आपकी डिस्प्ले के सेंटर में कहीं भी आपको वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों टाइम का। अभी आप नोटिस करेंगे हमारे Realme 8s 5G में हमको आवर, मिनट के साथ साथ सेकंड तीनों चीज शो हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे आवर मिनट देख सकते हैं या जितना भी टाइम है आपको एक भी शो ना हो। इसको चेंज करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना होगा, नोटिफिकेशन है स्टेटस बार में, यहाँ पे आपको टाइम का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप शो आवर्स एंड मिनट करते हैं देन आप नोटिस करेंगे सिंपली आपको वही शो होगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे डू नॉट शो कर देंगे देन आपको कोई भी टाइम शो नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मीटर। यहाँ पे आपको इनबिल्ट
जाता है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे सेटिंग ओपन करना होगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, देन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। जैसे आप इसको डिसेबल कर देंगे, उसके बाद अगर आपका फोन इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट रहेगा, देन आपको शो नहीं होगा कि एक्चुअल कितनी स्पीड आपके फोन में आ रही है, कितना यूज हो रही है। बट अगर आप इसको इनेबल करते हैं, देन आप नोटिस करेंगे कि सारी चीजें आपको नोटिस हो जाएंगी। यहाँ पे आपको शो होता रहेगा कि अभी आपके फोन में कितनी इंटरनेट स्पीड आ रही है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों स्टेटस आइकॉन। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर टॉप पे आपका जो स्टेटस बार है वहां पे कितने आइकॉन आपको शो हो। अभी आप नोटिस करेंगे हमें क्लॉक का शो हो रहा है, हमारा फोन DND है उसका शो हो रहा है, वाइब्रेशन का हो रहा है, इंटरनेट स्पीड का हो रहा है, वाईफाई का हो रहा है, सिम कार्ड का हो रहा है, बैटरी का हो रहा है। आप चाहेंगे तो एक भी नहीं होंगे या इनमें से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपने सिंपली सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार ओपन कर लेना है। नीचे आपको स्टेटस आइकॉन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों कन्वीनियंस टूल। इसमें आपको बहुत ही यूजफुल काफी इंटरेस्टिंग फीचर मिलते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आपको कन्वीनियंस टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहला आपको मिल जाता है नेविगेशन का ऑप्शन। अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे फोन में कोई भी वर्चुअल बटन नहीं है, हम यहाँ पे नेविगेशन बार को यूज कर रहे हैं। इसको आप सिंपली यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल जाता है जेस्चर्स एंड मोशन का। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर और भी आपको जेस्चर मिलते हैं, जैसे आप अपने स्क्रीन पे ओ ड्रा करेंगे देन आपका ओपन कैमरा हो जाएगा, विड्रा करेंगे फ्लैश लाइट मिल जाएगी, म्यूजिक कंट्रोल के लिए भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ और जेस्चर ऐड करने हैं, जैसे डब्लू ड्रा करने के बाद अगर आप ये इनेबल करते हैं, अगर आप डब्लू ड्रा करते हैं तो आपका फोन अनलॉक कॉल या कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप से आप जेस्चर्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और भी जेस्चर मिल जाते हैं जो कि स्क्रीन शॉट के लिए, आप उसको भी यहाँ से सिंपली इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है स्क्रीन शॉट का, जहाँ पे आप थ्री फिंगर डाउन, थ्री फिंगर टच एंड होल्ड या पावर या वॉल्यूम बटन के साथ यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ उनको यूज भी कैसे करना है यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाता है, जहाँ से आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे कि आप यहाँ से सिस्टम का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइक्रोफोन से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक साथ दोनों भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 1080p मैक्सिमम मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों आप नोटिस करेंगे फ्रेम रेट में आपको यहाँ पे मैक्सिमम 30fps का ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। साथ ही साथ अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप शूट कर रहे हैं, आपको फ्रंट कैमरा भी इनेबल रखना है, सिंपली यहाँ से आप इनेबल कर पाओगे। और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपने डिस्प्ले में कहां कहां टच कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा डॉट टाइप में शो हो, उसके लिए भी आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है SSD बॉल का। सबसे पहले हम इसको इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद आप नोटिस करेंगे आपको छोटी सी बॉल आपकी स्क्रीन में कहीं पे शो हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो सिलेक्ट है कि आपको बैक चले जाओगे। अगर टाइप पे हम सिलेक्ट कर देते हैं कि नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन हो, उसके बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि हम जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं हमारा नोटिफिकेशन ड्रॉअर ओपन हो जाएगा। कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपकी जो बॉल है आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हो, और जो इसकी ओपेसिटी है आप उसको भी कम ज्यादा कर पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक रिटर्न बबल का। इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देखोगे कि यहाँ से आपको रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, नीचे से एक वर्चुअल बटन में ये वर्क करेगा। साथ ही साथ काफी यूजफुल और इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों जो कि है स्मार्ट स्लाइड बार। इसको आप सबसे पहले इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप लोग नोटिस करेंगे कि आपको डिस्प्ले से राइट साइड से लेफ्ट साइड स्वाइप करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ इतनी एप्लीकेशन या शॉर्टकट शो हो जाएंगे। इसमें आप और भी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हो या कुछ एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो। टूल्स के ऑप्शन मिलते हैं, एप्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इसको ऑटो हाइड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जो कि लास्ट है स्प्लिट स्क्रीन। यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको थ्री फिंगर ऊपर स्वाइप करके इनेबल कर सकते हो या आपको यहाँ से भी एक ऑप्शन मिल जाएगा जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा वो स्प्लिट स्क्रीन में आप इसको कुछ इस तरह से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों OTG इनेबल या डिसेबल करने का। उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा OTG कनेक्शन का। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, उसके बाद अपने फोन में कोई भी OTG आप अटैच करेंगे तभी आपको शो होगा। अगर ये डिसेबल रहता है देन आपके फोन में OTG ऐड करने के बाद भी आपको शो नहीं होगा। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों हे टाइप क्लाउड। सबसे पहले आपने अपने फोन की सेटिंग ओपन करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे से फिफ्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा हे टाइप क्लाउड। बेसिकली दोस्तों इसमें आपको 15GB का क्लाउड स्पेस मिलता है, जहां पे आप अपने फोटोज, रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट्स, ब्राउजर हिस्ट्री, वाईफाई का डेटा या प्राइवेट स्पेस के जैसे इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों रियलमी लैब। यहाँ पे आपको दो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल फीचर मिलते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको रियलमी लैब का। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है दोस्तों आपको यहाँ से स्मूथ स्क्रॉलिंग का। अगर आप स्मूथ स्क्रॉलिंग को इनेबल कर लेते हो, बस सिंपली से आपको AI के थ्रू थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव कर दिया जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो स्क्रॉलिंग स्मूथ हो रही, बाकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो फीचर मिल जाता है दोस्तों उसका नाम है स्लीप कैप्सूल। काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। सेटिंग को ओपन करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको स्लीप का ऑप्शन
मिल जाता है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं देन आप नोटिस करेंगे कि आपका जो स्लीपिंग टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करेगा, और आप जो भी टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी कॉल आपको आएंगी भी तो आपको शो नहीं होंगी, ना ही उनका कोई नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों गेम स्पेस। गेमर्स के लिए काफी यूजफुल फीचर है, यहाँ पे आप अपने गेम्स को ऐड कर सकते हो, उनके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हो। गेमिंग के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले प्लस आइकॉन पे टाइप करके जो भी एप्लीकेशन ऐड करना है आपको सिंपली यहाँ से ऐड कर लेना है, बाकी अगर कोई भी गेम्स होंगे तो ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, लो पावर मोड मिलता है, बैलेंस मोड मिलता है, प्रो गेमर मोड मिलता है। इसमें आपके फोन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होता रहेगा अगर आप प्रो गेमर मोड यूज करते हैं तब। बाकी दोस्तों यहाँ से आपको ऑटोमेटिक रेजुलेशन को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ब्राइटनेस को भी लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम गेम को ओपन करने के बाद आपको दिखाएं कि गेम स्पेस में आपको कुछ किस तरह का लुक मिलता है, देन आप दोस्तों नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, सीपीयू जीपीयू और गेमिंग में कितने एफपीएस की गेमिंग हो रही है वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अलग अलग एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर सकते हो, आपको बुलेट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, कॉल्स कोई आ रही है आप उसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी गेमिंग के लिए कैप्चर कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों डेवलपर ऑप्शन, जहां पे आपको कस्टमाइजेशन के बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैसे इनेबल करना है उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन ऑप्शन या जिन फीचर्स के बारे में आप नहीं जानते प्लीज आप उनमें कोई चेंजेज मत करिएगा, अदरवाइज आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन को सेटिंग ओपन करना होगा, अबाउट फोन को ओपन करना होगा, वर्जन का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है, बिल्ड नंबर आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा, इस पे आपको 7 times टाइप करना होगा। 7 times टाइप करने के बाद दोस्तों आपके फोन का जो भी पिन पासवर्ड पैटर्न होगा उसको आपको सिंपली इंटर कर देना होगा, उसके बाद आपके फोन का डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। बट ये आपको मिलेगा कहां, उसके लिए आपको एडिशनल सेटिंग ओपन करना होगा, यहां पे आप नोटिस करेंगे कि आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे आपको बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग यूजफुल रिस्की भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो चीज आपको ध्यान में रखना है, जो फीचर्स नहीं पता उनमें चेंजेस नहीं करने। हां अगर आपको लगता है कि डेवलपर ऑप्शन आपके लिए यूजफुल नहीं है देन आप सिंपली यहां से टैप करके इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। So, दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हैं जो कि आपको Realme 8s 5G में मिलते हैं। इनमें से आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल लगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको Realme 8s में जितने भी ब्लॉट पेयर्स मिलते हैं जैसे फिनसेल हो गया, आपको यहाँ पे ओ रोमिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, बट अगर आप चाहते हो अनइंस्टॉल करना तो उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बहुत ही इजीली सिंपल वे में आप उसको अनइंस्टॉल कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने Realme 8s 5G की अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी उसके साथ ही हमने Realme 8 के साथ स्पीड टेस्ट किया हुआ है, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आपने अगर अभी अब तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार वहां भी फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे हम बहुत सारी डिटेल आपको बताते रहते हैं। सो जितनी भी आपको चीजें बताई सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद फटाफट सबको चेकआउट जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।